नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार सोलंकी, सामाजिक कार्यकर। आज मैं एक जो नासिक के अंदर जो बापू है, बापू की यहाँ मेरे एक परम मित्र श्री प्रिंस पटेल जो बार बार वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे बात जो मुझे मिली है वो मैं आप शुभेच्छक मित्रों को बताता हूँ कि वहाँ पे जो लोगों जो बीमार है, जिसकी जिसका कोई इलाज नहीं, ऐसा रोग जैसे कि कैंसर, HIV, किडनी की बीमारी, ऐसी दवाइयाँ वहाँ पे मिलती है। वो दवाइयाँ लेने के लिए लोग वहाँ पे रूबरू सुबह 4 बजे से लेकर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वहाँ पे ये मेरे परम मित्र प्रिंस पटेल जो मेरे साथ है, वो बार बार वहाँ पे जाते हैं। और वो जो वहाँ आश्रम है, वो आश्रम में गुरु जी के एकदम नज़दीक से पहचानते हैं। और प्रिंस पटेल आज मेरे साथ है, आज प्रिंस पटेल ही बताएंगे कि वहाँ जो जाते हैं तो वहाँ किस किस प्रकार की दवाइयाँ मिलती है और आश्रम का नाम क्या है और क्या क्या वहाँ से दवाइयाँ उपलब्ध होती है, उसके लिए आगे प्रिंस पटेल बताएंगे। प्रिंस भाई आप बताओ पब्लिक को। जी नमस्ते, रामकृष्ण हरि, मैं प्रिंस पटेल सूरत से, मैं बाबा जी का सेवक हूँ और मैं 19 साल से वहाँ नासिक आश्रम में जा रहा हूँ। आश्रम है, बाबा जी है, मंदिर है, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई अगरबत्ती बभूति मंत्र तंत्र करके ठीक करता होगा, लेकिन बाबा जी ने खुद आयुर्वेदिक MD किया है। लेकिन वहाँ की सिस्टम ऐसी है, वहाँ पे एक बाबा जी के पास पत्थर है, वो पत्थर संत ज्ञानेश्वर हो गए महाराष्ट्र में, वो उसकी पेढ़ी में दिया हुआ है और बोला है कि इससे लोगों का कल्याण करना और आपके हाथ में यश रहेगा। और बाबा जी ने प्लस आयुर्वेदिक में MD किया है और खुद बाबा जी रघुनाथ जी देव बापा जी महाराज है, वो खुद महामंडलेश्वर है महाराष्ट्र में, जो ये संत है वो महामंडलेश्वर है। और लोगों की बीमारी ऐसे बताते हैं, लोगों को जाना है सुबह 4 बजे से, लोग आज आना चालू कर देते हैं, कोई शाम को भी आ जाते हैं। सुबह 6 बजे आश्रम का टाइम रहता है और शाम को 4 बजे तक चालू रहता है, सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक चालू रहता है। और मंगल बुध की छुट्टी रहती है तो सुबह में आकर लाइन में बैठ जाते हैं टोकन लेकर, और लाइन में बैठ कर बाबा जी 8 बजे 6 बजे जैसे पेशेंट इस हिसाब से चालू करते हैं देखना। और पेशेंट को जाकर कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ हमको ये बीमारी है बाबा जी खुद दिखा दे बता देते हैं। उसके पास एकदम नज़दीक से जाने का, उल्टा हो जाने का, और बाबा जी पत्थर रख कर उसको ऐसे, उसके जो नाड़ी होती है अपने पास पिंगला और पिंगला, और इसके ऊपर सर के ऊपर पत्थर रख कर बता देते हैं आपकी ये बीमारी है और इतना टाइम से है, ऐसा है ऐसा है। और कोई पेशेंट समझो कि नहीं आ सकता है, इसकी पोजिशन नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है, दूर है, किसी कंडीशन पेशेंट की नहीं है, नहीं आ सकता, तो उसका पेशेंट का लेटेस्ट फोटो लाएगा तो भी चलेगा, नहीं तो उसका पहना हुआ 24 घंटा पहना हुआ ये शर्ट है, जैसे कोई बहन है तो उसका ब्लाउज है, उसकी साड़ी है, कुछ भी लाएगा या उसका छोटा फोटो लाएगा तो भी बीमारी उसको कंसल्टिंग कर सकते हैं। और ख़ास कर HIV, किडनी, हार्ट, थैलेसमिया, कोलोमिया ऐसी बीमारी का इलाज करते, और लोगों को 80% लोगों को वहाँ रिजल्ट मिलता है। और प्योर दवाई जो होती है वो सब आयुर्वेदिक वनस्पति होती है और आयुर्वेदिक काढ़ा ही होता है, और ऐसे कर ठीक होते हैं और 80% लोगों को रिजल्ट मिलता है। और महीने में 2 बार वहाँ शबूरी यज्ञ होता है। शबूरी यज्ञ का वजह ये है कि आयुर्वेदिक शास्त्रों में शबूरी यज्ञ की बहुत बड़ी महत्व है कि कैसे भी कर लोगों को मंत्र से, दवाई से, कैसे भी कर लोगों को ठीक करना है, वही उद्देश्य है। और 80% लोगों को रिजल्ट मिलता है और काफ़ी सारे लोग ठीक हुए हैं आज तक। और बाबा जी तो उसकी पिताजी, उसके दादाजी ये बरसों से वही कर रहे हैं। और बड़ा मंदिर है और संत ज्ञानेश्वर के अंदर मूर्ति है। और नासिक जाने का पहले महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र से जो कोई बाई रोड जाएगा तो उसको देव बाप्पा मावली धाम सेवा आश्रम कर लोकेशन डालने का, नहीं तो मेरा YouTube चैनल जो है प्रिंस पटेल सूरत करके, वो इसमें लोकेशन वाला उसको स्कैन भी मिल जाएगा और नंबर माहिती वो सब भी मिल जाएगा उसके अंदर। और नासिक से कोई बाई रोड गए तो उसको स्कैन से देव बापा मौली धाम कर उसको मिल जाएगा। और नहीं तो जो बस में जाना चाहते हैं उसके लिए नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने वाली बस में बैठने का, और फरसी वाले बाबा कोई बोलते हैं, देव बापा बोलते हैं, रघुनाथ जी महाराज बोलते हैं, बरोबर पत्थर वाले बाबा बोलते हैं, कोई भी बोलो, ये तुपा देवी बस स्टॉप की टिकट लेने का, पत्थर वाले बाबा की टिकट लेने का, वो बस स्टॉप पे तुपा देवी बस स्टॉप पे आपको उतार देगा और वहाँ से 1 किलोमीटर है पैदल। और त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है
ज्योतिर्लिंग वो इससे 3 किलोमीटर पहले है। तो ये नासिक के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, और मंगल बुध की छुट्टी रहती है, सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक का टाइम है। और मैं बाबा जी का सेवक हूँ, आश्रम की माहिती देने के लिए और लोगों को एक बार दिखाने के बाद जो उसको दवाई कैसे लेने की वो समझ में नहीं आए तो वो बताते, आश्रम में कुछ कब छुट्टी है, बाबा जी है नहीं है, कब पूजा है वो विगत देने के लिए है। और किसी पेशेंट आए हैं और बाहर से है, गुजरात से है, तो उसको नेक्स्ट मंथ उसको कुरियर करने के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको कुरियर के लिए मेरा नंबर दिया है और मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, फिर भी मैं बोल देता हूँ 8866330600 9377070080। रिपीट करता हूँ 8866330600। इस नंबर पे आप माहिती मंगा सकते हो, देख सकते हो, और प्रिंस पटेल सूरत कर आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, तो आपको सब डिटेल मिल जाएगी। और विशेष जानकारी कभी भी चाहिए तो यूट्यूब से भी मिल जाएगी, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ऐसा जो कपड़ा देखने का मैं बोला, फ़ोटो के लिए बोला कि भाई आपको बिना बोले आपको बीमारी बता देगा, वो आपको मैं समझाऊँगा, तो शायद नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब में वीडियो भी मिल जाएगा। और ज़्यादा तो आप ज़्यादा बिलीव शायद नहीं करेंगे आज के टाइम में, लेकिन रुक रुक जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगी कि अपने को कुछ बोलना नहीं है, कैंसर है, किडनी है, क्या है, किडनी में क्रिएटिन कितना है, बीपी शुगर कितना है, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, सब आपको बता देगा। लेकिन लंबा ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा होते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसीलिए ज़्यादा डिस्कस करने का इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है इतना सब आपको बाबा जी बता देंगे, और रिपोर्ट भी प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख कर देगा और दवाई के अंदर भी लिख कर देगा, और माहिती सब मिल जाएगा। विशेष कुछ जरूरत पड़े तो मेरे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। रामकृष्ण हरि, जय जय श्री राम। ये प्रिंस भाई ने जो ये अपने को माहिती दिया, ये पब्लिक को जाएगा, तो खास कर पब्लिक को जागरूक करने के लिए दिया, और जो जो पब्लिक के अंदर परेशानी है आज वैज्ञानिक तौर पे फिलहाल जो पब्लिक है, पब्लिक कोई मानती नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक के लिए जो हमने इनसे माहिती ली और जो प्रिंस भाई ने जो माहिती दी उसके लिए अगर मान लो आपको कोई भी समस्या लगती है तो उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। और ये वीडियो जो आप तो देख रहे हो, ये वीडियो आप अपने ग्रुप में इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल वैज्ञानिक के ज़माने में टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम आप तक पहुँचे, और आप ये वीडियो शेयर करके जो इंसान बीमार है, जिसके घर में बीमारियाँ है, उस तक पहुँचाओ, ये मैं आपके पास अपेक्षा रखता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। खास कर ये प्योर आयुर्वेदिक दवाई है, इसलिए कोई आड़ असर है ऐसा कुछ नहीं है, तो जो है दवाई के हिसाब से ही आपको ठीक करना है। और लोगों को 80% लोगों को रिजल्ट भी मिलता है, और बहुत लोगों को मिला है, वो आप इसमें कमेंट में भी पढ़ सकते हो, लोगों का व्यू भी देख सकते हो। रामकृष्ण हरि।